अगर आपको भी नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी हैं और आपकी उम्र हो गई है 40 साल के आसपास, तो जो आप नज़दीक से मोबाइल वगैरह देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो नज़दीक से तो आपको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब आप दूर हटाते हैं तो वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आता है। तो आपकी आंखों में कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और सबसे मेन पॉइंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी आंख जो है वर्क कैसे करती है। जब हम किसी चीज को दूर में देखते हैं तो सबसे पहले लाइट रेज उस चीज से टकराती हैं, वापस हमारी आंख की तरफ आती हैं। तो सबसे पहले जो सामने की कॉर्निया है उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद लेंस को क्रॉस करती हैं और रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। लेकिन जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं, जब उसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में रेज जो हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होने लगती हैं, जिसके वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है। अब उस कंडीशन में हमारा जो लेंस होता है वो क्या करता है, खुद के कर्वेचर को बढ़ा लेता है। इसका मतलब वो जो पतली कंडीशन में होता है वो अपनी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसके वजह से लेंस की पावर बढ़ जाती है। उसके अलावा जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो लेंस को हेल्प करती हैं कर्वेचर को बढ़ाने में। उस कर्वेचर बढ़ने के वजह से जो रेज हैं जो रेटिना के पीछे फोकस हो रही थी वो रेटिना के ऊपर फोकस होने लग जाती हैं और हमें कोई चीज़ क्लियर दिखाई देती है। तो लेंस जो खुद को एडजस्ट करके रेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है और हमें जो चीज़ क्लियर दिखाई देने लगती हैं, इस कंडीशन को, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी कि समंजन क्षमता। कि जब हमारी उम्र 40 साल से ऊपर जाती है तो हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिसके वजह से जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है और वो खुद के कर्वेचर को बड़ा स्पीड से चेंज नहीं कर पाता, और जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो भी कुछ लूज होने लगती हैं, जिसके वजह से वो लेंस की कर्वेचर चेंज करने में, यानी कि एकोमोडेशन करने में मदद नहीं कर पाती और वो रेज को रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रिज्मबायोपिया। प्रिज्मबायोपिया एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होती, ये एक एज डिफेक्ट होता है, उम्र के वजह से जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है उसके वजह से जो पूरा प्रोसेस है एकोमोडेशन का वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता और हमें नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसे ठीक कैसे करेंगे, ये ठीक कैसे हो सकता है। कि ऐसा कोई भी तरीका जो रेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर दे, उस तरीके से आप नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला तरीका आता है वो तरीका होता है चश्मा लगाना। तो आपको अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, वो आपकी आंखों को एग्जामिन करके आपको एक नंबर प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आप जब उस चश्मे को लगाएंगे तो आपको नज़दीक की चीज़ क्लियर दिखाई देने लगेंगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये लगभग 100 में से 80% लोगों को होती ही होती है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये दूसरा तरीका कौन सा है जिससे कि आप बिना चश्मे के ही नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो है आई ड्रॉप्स। कुछ दिन पहले एक कंपनी ने एक ड्रॉप लॉन्च किया है जिसको डालने से आप नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं। वो कौन सा ड्रॉप है, उसकी प्राइस क्या होती है और वो आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। बाकी तब तक के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।